मैं आवाम से यही दरख्वास्त करता हूँ कि हम 5 साल काम किए अल्हम्दुलिल्लाह, काम की बुनियाद पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टिकट पर फिर से उप्पुकुड़ा डिवीज़न में उतर रहे हैं उम्मीदवार बनकर। और मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देकर जनाब बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब का और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दें। मैं मेरे वालिद मोहतरम जनाब समद बिन अब्दाद साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक ये दूसरी बार टिकट मिलने में मेरा साथ दिया। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। GHMC इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उप्पुकुड़ा के नौजवान उम्मीदवार फहद बिन समद अब्दाद ने सरदार महल पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर से मुलाकात करते हुए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मजलिस के सीनियर लीडर समद बिन अब्दाद के अलावा दीगर मजलिस कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उप्पुकुड़ा डिवीजन के उम्मीदवार फहद बिन समद अब्दाद ने मजलिस आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया और अवाम को अपने कीमती वोटों से नवाजने की अपील की। हर अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करिए और शेयर करिए। शेख मोहम्मद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कुछ देर पहले हमने उप्पुकुड़ा डिवीज़न से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टिकट पर नॉमिनेशन फाइल किया है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने हमें ये मौका मिला। बाद में मैं जमात का जमात के सदर बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब का और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे एक बार मुझ पर फिर से एक बार भरोसा कर उप्पुकुड़ा डिवीज़न से यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदगी करने का मौका दे रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो नॉमिनेशन फाइल किए। मैं आवाम से यही दरख्वास्त करता हूँ कि हम 5 साल काम किए अल्हम्दुलिल्लाह, काम की बुनियाद पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टिकट पर फिर से उप्पुकुड़ा डिवीज़न में उतर रहे हैं उम्मीदवार बनकर। और मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देकर जनाब बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब का और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दें। मैं मेरे वालिद मोहतरम जनाब समद बिन अब्दाद साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक ये दूसरी बार टिकट मिलने में मेरा साथ दिया और मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं साथ ही में इसी के साथ साथ बस्ती के सारे जिम्मेदारान और सदर जो भी यहाँ के सदर है और जो है जनरल सेक्रेटरीज है और हमारे वर्कर्स हैं, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर से एक बार इलेक्शंस को लेकर यहाँ पर आई है और इंशाल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे और मजलिस को भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।